की ओर। देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने पर मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने कहा कि इन सरकार ने 150 साल पुराने कानूनों में बदलाव कर बड़ा काम किया है। देश में अभी तक अंग्रेजों के जमाने का कानून चल रहा था। ये कानून अंग्रेज राज ने देश पर शासन करने के लिए बनाए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने जनता के हित के लिए इनमें बड़े बदलाव किए हैं। गृह विभाग और पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है कि इन कानूनों के प्रति जागरूकता लाई जाए। जनता को पता होना चाहिए कि नए कानून क्या हैं, क्या बदलाव हुए हैं और उसमें क्या उनका हित है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर आज राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत बेरोजगार संघ मनोज मीणा की अगुवाई में जूनियर अकाउंटेंट और TRA भर्ती 2023 के परिणाम की विसंगतियों को लेकर सैकड़ों युवाओं के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से 5 अभ्यर्थियों की वार्ता हुई। राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत बेरोजगार संघ मनोज मीणा ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस भर्ती परीक्षा में 23 प्रश्न लीक कर दिए हैं, जिसके कारण कई अभ्यर्थियों में बोर्ड के खिलाफ गुस्सा है। राजस्थान के बूंदी जिले के किसान एक बार फिर नहर की पानी की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। 1 जुलाई से नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन की रणनीति तेज कर दी है। किसानों ने संभागीय आयुक्त पर धरना देकर 1 जुलाई को नहर में पानी छोड़ने के लिए मांग पत्र सौंपा था, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। कल 2 जुलाई को किसान लालसोट मेगा हाईवे पर एकत्रित होंगे और सभी किसान ट्रैक्टर के साथ कोटा बैराज कूच कर नहरों के दरवाजे खोलेंगे। राजस्थान में इस समय बिजली का जबरदस्त संकट बना हुआ है और इसका जीता जागता उदाहरण अलवर में देखने को मिला। डॉक्टर्स डे के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जो प्रदेश में बिजली की हालत बयां कर रहा है। वीडियो में वन मंत्री संजय शर्मा का मोबाइल की लाइट में इलाज किया जा रहा है। दरअसल वन मंत्री संजय शर्मा प्रदेश के सबसे बड़े जिला अस्पताल राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में पहुंचे मेडिकल जांच पड़ताल के लिए। वह अस्पताल के ICU में भर्ती हुए, लेकिन इस दौरान अस्पताल की लाइट चली गई। ऐसे में अस्पताल के डॉक्टर ने मोमबत्ती और मोबाइल की लाइट में मंत्री का इलाज किया। DYPPLU विधायक रामसह वर्मा ने विधायक संघ प्रशासन आपके द्वार के द्वारा आम नागरिकों की समस्या के समाधान को लेकर आज जन समस्याएं सुनी। कार्यक्रम ग्राम पंचायत करेड़ा बुजुर्ग में आयोजित हुआ। विधायक ने आमजन की समस्याओं से मौके पर ही प्रशासन को अवगत करवाया। इस दौरान ग्रामीणों ने DYPPLU के विधायक रामसह वर्मा का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान DYPPLU विधायक रामसह वर्मा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करेड़ा बुजुर्ग परिसर में पेड़ भी लगाया। देश भर में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। 51 साल पुराने CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगी। वही भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम लेगा और इंडिया एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय सशय अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। वही महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल एजेंसी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया। 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 30 रुपए की कटौती की गई। वही दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की खुदर बिक्री कीमत आज 1646 रुपए हो गई है। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सशस्त्र अधिनियम आज से लागू हो गए। इन्हें IPC 1860, CRPC 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लाया गया। कानूनों के लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को इन कानूनों की जानकारी दी। शाह बोले कि आजादी के 77 साल बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब पूरी तरह से स्वदेशी हो गया है। अब दंड की जगह न्याय मिलेगा, मामलों में देरी की जगह स्पीडी ट्रायल होगा, साथ ही सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी मामले में CBI द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट को 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 3 दिन की कस्टडी रिमांड पर CBI को भेजा गया था। बंगाल में महिला को सरेआम पीटने के मामले पर BJP अध्यक्ष JP नड्डा बोले कि पश्चिम बंगाल से एक भयावह वीडियो सामने आया है जो क्रूरता की याद दिलाता है। मामले को बदतर बनाने के लिए TMC कैडर और विधायक इसे कृत्य को उचित ठहरा रहे, चाहे संदेश खाली हो, उत्तर दिनाजपुर हो या कई अन्य स्थान। बीबी का पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित है। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।